मूवी की शुरुआत में एक शिकारी को देखते हैं जिसका नाम लुसेंट है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वह अपने बेटे को शिकार करना सिखा रहा था। अगले ही सीन में लुसेंट शिकार करने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी उसकी वाइफ वहां आती है और उसे खाना ले जाने के लिए कहती है, मगर वह इनकार कर देता है और कहता है कि यह तुम लोग खा लो, और वह वहां से चले जाता है। जंगल में पहुंचकर वह शिकार ढूंढने लगता है और अचानक से उसे बर्फ पर खून नजर आता है, और वह भी समझ जाता है कि जानवर उसके आसपास ही है, और हवा में एक फायर करता है जिससे वह जानवर डरकर भागने लगे और लुसेंट उसको देख ले। लुसेंट वापस अपने गन को रेडी करते हुए भागने लगता है और एक बार फिर से वह हवा में फायर करता है। तभी वह देखता है कि बहुत तेजी से कोई गुजरता है, जिससे वह भी छुप जाता है। जब वह आसपास देखता है जहां पर उसे टाइगर की आवाज आ रही थी, जिससे वह थोड़ा घबरा भी गया था, लेकिन वह एकदम से सामने आ जाता है और वहां लुसेंट के सामने हम टाइगर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में था। दूसरी तरफ लुसेंट भी तैयार था शिकार करने के लिए। वह टाइगर लुसेंट पर हमला करने के लिए भागता है, मगर लुसेंट उसे गोली मार देता है। इसके बाद हम कुछ सालों बाद का टाइम देखते हैं जहां हम एक आर्मी का ऑफिस देखते हैं। कुछ सोल्जर एक बड़े से बॉक्स में टाइगर की खाल लेकर आते हैं। उनका जनरल ये देखकर खुश नहीं होता और वह उन्हें कहता है कि यह बहुत छोटा टाइगर की खाल है, उन्हें कोई बड़ा टाइगर चाहिए, और वह उस टाइगर की खाल को अपने गवर्नर को भेजने के लिए कहता है, क्योंकि असल में वह गवर्नर जो उन जानवरों की खाल और उनकी बॉडी को अपने घर की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और अमीर आदमियों को भी महंगे दामों में बेचते हैं। जनरल भी अपने सोल्जर को कहता है कि हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए हमने अपनी आर्मी को भेजा था, पर उसमें कई सारे सोल्जर अचानक से गायब हो गए हैं और कुछ गांव के लोगों को उन सोल्जरों की लाश मिली है। गवर्नर भी उस जनरल पर काफी नाराज था और वह सोल्जर को भी कहता है जो उसने रिपोर्ट उस जनरल को दी थी वह पूरी नहीं थी, और जनरल की बात सुनकर लियो कहता है कि हमने बहुत कोशिश करी थी पर हमें कुछ नहीं पता चला। और जनरल भी लियो को कहता है, क्या तुम टाइगर किंग को पकड़ सकते हो, और उनको उस बड़े से टाइगर को पकड़ के लाने का ऑर्डर देता है। उसके बाद हम कुछ शिकारी को जंगल में देखते हैं जिन्हें जमीन पर एक टाइगर के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर वह कहते हैं कि यह तो एक बड़े टाइगर के पंजे के निशान है, और असल में यहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है जहां पर जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, और शिकारी अपने साथियों को यहीं पर ही डेरा जमाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो लुसेंट से टाइगर के बारे में पूछता है, पर वह इनकार कर देता है। लियो लुसेंट से बात करता है और उसे उस बड़े से टाइगर को पकड़ने के लिए कहता है, जिसके बदले उसको अच्छी खासी कीमत मिलेगी, लेकिन लुसेंट साफ मना कर देता है और वह लियो से कहता है कि उसने शिकार करना छोड़ दिया है। लियो को काफी गुस्सा आ जाता है और लुसेंट भी कहता है कि शौक के लिए शिकार करना गलत है, तुम लोग पहाड़ के उस किंग टाइगर को उकसाना चाहते हो जो कि काफी खतरनाक हो सकता है, और लियो भी लुसेंट को समझाने की कोशिश करता है पर लुसेंट उसे साफ मना कर देता है और वहां से बाहर आ जाता है। वहां उसका बेटा सियोल बाहर इंतजार कर रहा था। तभी सियोल लुसेंट को बोलता है कि जब ये सोल्जर आपको शिकार करने के लिए बोलते हैं तो आप उन्हें मना क्यों कर देते हैं, जिस पर लुसेंट उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम बड़े लोगों की बात पर ध्यान मत दे करो। दूसरी तरफ शिकारी के सामने एक जख्मी टाइगर होता है और वह उन लोगों पर हमला करता है, लेकिन वह टाइगर बंधा हुआ था जो काफी गुस्से में भी था। वह उन पर हमला करने लगता है पर मेंथे उसे मार देता है। उन शिकारी ने उस किंग टाइगर को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछाया होता है, मगर उस जाल में उस किंग टाइगर के दो बच्चे और वह लेडी टाइगर भी मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर उन टाइगर की लाशों के साथ अपनी फोटो खींचवा रहे होते हैं। मेंथे लियो से मिलने के लिए आता है और लियो भी उस टाइगर के बारे में पूछता है, जिसे वह भी कहता है कि उस किंग टाइगर को पकड़ना आसान नहीं है, वह काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। ये बात सुनकर लियो मेंथे पर काफी गुस्सा होता है और उसे जल्द से जल्द उस किंग टाइगर को पकड़ने की कहता है। मेंथे वहां से जाने लगता है। लियो उसे बताता है कि उसने लुसेंट से भी बात करी है मगर उसने इनकार कर दिया, जिस पर मेंथे भी कहता है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वह लुसेंट से जबरदस्ती शिकार नहीं करवा सकते हैं, और मेंथे भी कहता है कि उसके पास एक तरीका है, जिस पर लियो तुरंत जनरल के पास में जाता है और उसे बताता है कि उसे किंग टाइगर की असल में एक आंख खराब है, वह सिर्फ एक ही आंख से देख सकता है जो कि उन्हें गांव वालों से पता चला है, जिस पर जनरल भी कहता है कि उसके एक आंख खराब होने के बावजूद भी तुम उसे अभी तक नहीं मार सके हो। जनरल लियो से टाइगर का वजन पूछता है, जिस पर लियो बताता है कि यहां के लोगों के अनुसार उस किंग टाइगर का वजन लगभग 500 किलो के आसपास है, जिसे सुनकर जनरल काफी हैरान हो जाता है और वह कहता है कि जिसका मतलब ये हो सकता है कि वह असल में दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है। और अगले ही सीन में हम मेंथे और उसके साथियों को जंगल में देखते हैं। उनके पास टाइगर के एक बच्चे की लाश भी होती है ताकि टाइगर उस बच्चों की लाश को देखकर उनके सामने आ जाए। तभी वह लोग उस टाइगर के बच्चे की लाश को जमीन पर रख देते हैं और वहां पर जाल लगाने लगते हैं, और यहां टाइगर की एक झलक भी देखते हैं। अब इंतजार करते करते रात हो चुकी है और मेंथे और बाकी सब लोग भी किंग टाइगर का इंतजार कर रहे होते हैं।
वह लोग भी आपस में बात करने लगते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि उस किंग टाइगर को पकड़ने के चक्कर में मेंथी का एक भाई भी मर गया था और जो मेंथी के चेहरे पर निशान है वह भी इस किंग टाइगर के हैं। तभी मेंथी उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, पर वह अपने साथियों को बताता है कि लगता है टाइगर जाल में फंस गया है, जिसे सभी लोग जाल की तरफ भागने लगते हैं। वह जाकर देखते हैं, पता चलता है कि जाल में वह टाइगर नहीं बल्कि एक भेड़िया फंसा हुआ होता है और वहां से टाइगर के बच्चे की लाश भी गायब होती है। इसका मतलब टाइगर उस बच्चों की लाश को भी ले गया और वह फंसा भी नहीं, जिसके कारण उनका ये प्लान नाकामयाब होता है, जिससे मेंथी को बहुत गुस्सा आता है और वह उस भेड़िए को मार देता है। तभी हम उस किंग टाइगर को देखते हैं जिसके पास उस बच्चों की लाश भी थी, जो काफी गुस्से में था। तभी अगले ही पल हम मेंथी को उनके साथियों से बात करते हुए देखते हैं, जिस पर वह कहता है कि हमें लुसेंट से मदद मांगनी होगी, जिस पर उसका आदमी कहता है कि लुसेंट ने अपनी बीवी की मौत के बाद शिकार करना छोड़ दिया है, उसे परेशान करना छोड़ दो। पर मेंथी नहीं मानता और वह सभी लोग लुसेंट से मिलने के लिए आते हैं। मेंथी उससे कहता है कि उसे किंग टाइगर को मारने पर एक बहुत बड़ा इनाम है और वह उनकी मदद करे, मगर लुसेंट साफ मना कर देता है और उन्हें कहता है कि ठंड के मौसम में उस किंग टाइगर का शिकार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तुम लोग भी उसका ख्याल छोड़ दो। मेंथी भी लुसेंट को काफी समझाने की कोशिश करता है पर वह नहीं मानता, जिससे मेंथी को गुस्सा आता है और वह कहता है कि उसकी बीवी भी उसे किंग टाइगर के कारण ही मरी है, लेकिन उसका साथी उससे चुप रहने के लिए कहता है। तभी मेंथी के लोग लुसेंट के बेटे सियोल को बताते हैं कि उस टाइगर को मारने पर काफी बड़ा इनाम है, जिससे सियोल भी उनके बातें सुनकर काफी खुश होने लगता है और मेंथी अपने लोगों को वहां से लेकर चले जाता है। हम देखते हैं कि लुसेंट काफी उदास बैठा हुआ था और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां लुसेंट अपने साथियों के साथ उस टाइगर को मारने के लिए जंगल में मौजूद था। वहां पर कई सारी लाश भी होती है। मेंथी लुसेंट को बताता है कि वह टाइगर आपके घर की तरफ गया है, जिससे लुसेंट काफी परेशान हो जाता है और वह तुरंत अपने घर की तरफ भागता है। वह गन लेकर टाइगर को ढूंढ रहा होता है और तभी वह एक तरफ गोली चलाता है और दूसरी तरफ किंग टाइगर भी दूर से लुसेंट को देख रहा होता है। इसका मतलब गोली टाइगर को नहीं बल्कि कहीं और लगी थी, और लुसेंट जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह गोली उसी की वाइफ को लगी थी। तभी हम देखते हैं कि सियोल भी अपने पिता लुसेंट को उस किंग टाइगर का शिकार करने के लिए मना रहा होता है और वह कहता है कि अगर आप शिकार पर नहीं जाना चाहते तो मैं चले जाऊंगा, जिस पर लुसेंट को गुस्सा आ जाता है और वह उसे धमकाता है कि वह उस किंग टाइगर का शिकार करने की बात भूल जाए, पर वह नहीं मानता और सियोल अपने पिता लुसेंट को कहता है कि मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि जैसी जिंदगी आपने गुजारी है वैसी जिंदगी में भी गुजारू, जिस पर लुसेंट उसके कान के नीचे एक किताब रख देता है। और उसके बाद सियोल वहां से भाग जाता है और लियो के पास चले जाता है और वह आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। वहां पर मेंथी भी मौजूद था। लियो भी कहता है कि बेटा आ गया है तो बाप भी आ जाएगा। मेंथी और लियो भी अपने सोल्डरों के साथ उस किंग टाइगर का शिकार करने के लिए जा रहा होता है। मेंथी का एक साथी मेंथी को बोलता है कि तुम सियोल को अपने साथ क्यों लाए हो, वह तो केवल एक बच्चा है। मेंथी भी कहता है कि उसके पीछे उसका बाप भी यहां पर आ जाएगा, मगर उसके साथियों को ये सब ठीक नहीं लगता, जिस पर वह सियोल को वहां से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लुसेंट सियोल को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि वह शिकार पर जाने का कह रहा था। वह समझ जाता है कि वह उस किंग टाइगर का शिकार पर ही गया है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वह सभी लोग उस किंग टाइगर का शिकार करने के लिए तैयार थे। तभी वहां हम उस किंग टाइगर को देखते हैं। उस किंग टाइगर के दहाड़ सुनकर उन सब के पैर कपकपा जाते हैं और यहां हम उस किंग टाइगर को सामने देखते हैं जो कि काफी बड़ा था और उसे भी काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ मेंथी अभी उन लोगों से थोड़ा दूर ही खड़ा था। वह सभी लोग उस टाइगर को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। टाइगर भी उन लोगों पर हमला कर देता है। किंग टाइगर भी एक एक करके उन सोल्जरों को मार रहा होता है। वह सभी सोल्जर भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, मगर वह कोई साधारण टाइगर नहीं था, वह किंग टाइगर था। सियोल भी यह सब देखकर बुरी तरह डर जाता है और हम देखते हैं कि वह किंग टाइगर सियोल के पास आ जाता है, मगर वह उसे कुछ नहीं करता और वहां से जा रहा होता है। सियोल के पीछे से एक सोल्जर उस किंग टाइगर को शूट करने वाला ही होता है। किंग टाइगर भी उसे गुस्से से देखने लगता है और सियोल उस टाइगर को ऐसे गुस्से में देखकर काफी डर जाता है। टाइगर उसकी तरफ भागता है और सियोल डर के गोली चला देता है। दूसरी तरफ मेंथी और बाकी लोग भी सियोल की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाते हैं, मगर टाइगर वहां से जा चुका था और वहां मेंथी सियोल को काफी जख्मी हालत में देखता है, जिस पर मेंथी सियोल को समझाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। सियोल मेंथी को वहां से जाने के लिए मना करता है, मगर मेंथी वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ वह किंग टाइगर भी काफी जख्मी हो गया था। मेंथी भी उसे ढूंढ रहा होता है। तभी मेंथी के साथी सियोल को ढूंढने जाते हैं और रात हो जाती है। वहां सोल्डरों की लाशों के पास भी कई सारे भेड़िया आ जाते हैं। वह लोग उन भेड़िया को वहां से भगाने लगते हैं और सियोल को ढूंढने लगते हैं, मगर सियोल उनको कहीं नहीं मिलता। मेंथी भी कहता है कि शायद भेड़िया सियोल को ले गए होंगे, जिस पर वह आदमी भी कहता है कि वह अपने साथ सियोल को क्यों लाया। और तभी वहां पर लुसेंट आ जाता है। वह सियोल के बारे में पूछता। दूसरी तरफ हम सियोल को देखते हैं जिसके पास किंग टाइगर भी मौजूद था। वह भेड़िए भी सियोल को खाने लगते हैं, पर तभी वह किंग टाइगर उन भेड़िया को वहां से भगा देता है
और हम देखते हैं कि वह टाइगर सियोल की हिफाजत करने के लिए वहीं पर ही बैठ जाता है। देखते देखते सुबह हो जाती है और बाकी लोग वहां मौजूद मरे हुए लोगों की लाश लेकर आ रहे होते हैं। मेंथे भी जनरल को कहता है कि किंग टाइगर जख्मी है और यही सही मौका है उस टाइगर को मारने का, मगर उसके पास शिकारी कम हो गए हैं। वह सोल्जर को ले जाने के लिए बोलता है, जिस पर लियो भी कहता है कि और सोल्जर की क्या जरूरत है। वह टाइगर तो जख्मी है ना। मेंथे भी उन्हें बताता है कि ठंड ज्यादा होने से पहले उन्हें उस किंग टाइगर को मारना होगा। ये बात सुनकर जनरल मेंथे की बात मान जाता है। दूसरी तरफ लुसेंट घर वापस आता है, मगर उसे सियोल कहीं नहीं मिलता, जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहां में किंग टाइगर आता है जिसके पास सियोल की लाश थी। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब लुसेंट ने उस किंग टाइगर पर गोली चलाई थी तो उसके साथ में दो बच्चे भी थे, जो कि अपनी माँ को मरा हुआ देखकर लुसेंट पर काफी गुस्सा होते हैं। तभी वहां मेंथे भी आ जाता है और उन्हें मारने लगता है, मगर लुसेंट उसे रोक देता और कहता है कि बच्चों को नहीं मारना। तभी हमें पता चलता है कि वह किंग टाइगर उन्हें बच्चों में से एक था। उन्हें देखकर मेंथे उसे पकड़ने लगता है, जिस पर लुसेंट उसे पीछे हटा देता है और लुसेंट उन दोनों टाइगर के बच्चों को उठाकर एक गुफा के पास में छोड़ देता है और वहां से चले जाता है। वह छोटा टाइगर उसे देखता है। लुसेंट उन बच्चों के लिए खाना लेकर आता है और वह छिपकर देखने लगता है। वह बच्चे खाना खाने लगते हैं और काफी टाइम बाद लुसेंट उन बच्चों को देखने जाता है, मगर वह उसे नहीं मिलते। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि वह किंग टाइगर इसलिए ही सियोल की हिफाजत कर रहा था। सियोल के मरने के बाद किंग टाइगर सियोल की लाश लुसेंट के पास लेकर आया था। ये काफी इमोशनल सीन था। टाइगर भी सियोल को वहां पर छोड़कर चले जाता है। लुसेंट सियोल के पास आता है और बहुत रोता है क्योंकि अब वह अकेला पड़ गया था। इसके बाद किंग टाइगर भी अपने बच्चों के पास आकर बैठ जाता है और अगले ही सीन हम देखते हैं कि कई सारे सोल्जरों की बटालियन उस किंग टाइगर को मारने के लिए आ जाती है, जिस पर जनरल भी उन सोल्जरों को समझाता है कि उस किंग टाइगर को कैसे मारना है। वह सोल्जर जंगल में अलग अलग जगह बम ब्लास्ट करते हैं। किंग टाइगर भी ये देख रहा होता है, जिससे वह काफी गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ जंगल पूरी तरह तबाह हो चुका था। सोल्जर उस किंग टाइगर को ढूंढने लग जाते हैं। अब किंग टाइगर भी बाहर आ जाता है और वह उन सिपाहियों को बुरी तरह मारने लगता है। काफी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वह उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, मगर टाइगर बच जाता है और सभी सोल्जर भी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी पेड़ से एक लाश गिरती है। वह लोग ऊपर की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर खामोशी हो जाती है और एकदम से किंग टाइगर एक सोल्जर के ऊपर जंप मारता है और वह उन सोल्जरों पर हमला कर देता है। वह सोल्जर भी उस टाइगर को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वह टाइगर उन सबको मारते जा रहा था। मगर फिर भी कुछ गोलियां उस किंग टाइगर को लग जाती है। फिर भी वह उन सोल्जरों पर हमला करने लगता है और सभी सोल्जरों को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि मेंथे उस किंग टाइगर को अपने निशाने पर रखा हुआ था, जिस पर वह शिकारी भी मेंथे को बोलता है कि अच्छा तुम इतने सोल्जरों को इसलिए लाए थे, जिस पर वह टाइगर उनसे लड़ते लड़ते थक जाए और तुम उस पर हमला करके मार दो। मेंथे टाइगर पर गोली चला देता है जिससे वह काफी जख्मी हो जाता है, जिस पर मेंथे बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि किंग टाइगर मर गया है, मगर वह जिंदा था और वहां मौजूद सोल्जर उस टाइगर को पकड़ लेते हैं। मेंथे भागते हुए वहां आ जाता है। वह उसको मारने ही वाला होता है। उससे पहले ही किंग टाइगर अपने आप को छुड़वा कर मेंथे पर हमला कर देता है। वह काफी गुस्से में था, जिससे वहां मौजूद लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। किंग टाइगर वहां मौजूद कुछ लोगों को मारकर वहां से चले जाता है। इसके बाद वह शिकारी मेंथे को देखता है जो काफी ज्यादा जख्मी था और मेंथे उसे वहां से जाने के लिए कहता है और मैं वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद जनरल और बाकी सोल्जर वहां आते हैं। जनरल ऑर्डर करता है कि यहां जल्द से जल्द एक कैंप स्थापित करो और वह कहता है कि जब तक हम उस किंग टाइगर को न पकड़ ले हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि लियो उस शिकारी से कहता है कि किसी भी तरह लुसेंट को यहां पर लेकर आओ। दूसरी तरफ हम लुसेंट को देखते हैं जिसके पास सियोल की बॉडी अभी भी मौजूद थी। तभी उसे लगता कि बाहर कोई है और जंगल में आकर देखता है। वहां वह किंग टाइगर भी काफी जख्मी था, जिस पर लुसेंट भी कहता है कि तुम तो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो और अब मेरी फैमिली भी खत्म हो गई है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। मगर टाइगर वहां से जाने लगता है, जिस पर लुसेंट भी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। लुसेंट अपनी गन उठाता है और अपने घर को आग लगा देता है। सियोल की लाश भी घर में मौजूद थी और इसके बाद वह वहां से चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि मौसम और भी ज्यादा खराब हो गया है। लुसेंट जंगल में जा रहा होता है। दूसरी तरफ वह जनरल भी उस टाइगर को मारने के लिए वापस अपनी फौजी को एकजुट करता है और हम टाइगर को देखते हैं कि वह अपने बच्चों की लाश को एक गुफा में रखकर बाहर आ जाता है। लुसेंट भी टाइगर की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कुछ शिकारी और सोल्जर लुसेंट के घर के पास आते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह घर पूरी तरह जल गया है, जिस पर वह परेशान हो जाते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वह शिकारी और जनरल की फौज पहाड़ पर जा रहे होते हैं। लुसेंट भी ऊपर की तरफ पहुंच जाता है और वह टाइगर भी उसके सामने था, जिस पर लुसेंट भी कहता है कि क्या हम दोनों साथ में मर सकते हैं और वह टाइगर पर गोली चला देता है, जिससे टाइगर जख्मी हो जाता है और वह अपने गन नीचे फेंक देता और वह उस टाइगर से कहता है कि चलो हम एक दूसरे को खत्म कर दे। तभी वह शिकारी भी ऊपर चढ़ जाते हैं और वह उन दोनों को देख लेता है। वह कुछ करता उससे पहले ही टाइगर लुसेंट पर झपट पड़ता है। वह दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। वह शिकारी भी यह सब देख लेता है, जिस पर वह बहुत रोता है और वह जनरल को बोलता है
कि वह टाइगर अचानक से गायब हो गया है। उसे वह नहीं मिला। वह जनरल से झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं देखा, जिससे जनरल भी काफी गुस्से में था और वह कहता है कि वह वापस जरूर आएंगे। और वह सोल्जर भी अब वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लुसेंट की शादी हुई थी और सियोल पैदा हुआ था, दूसरी तरफ हम छोटे टाइगर किंग को देखते हैं। उसके बाद हम उस टाइगर किंग और लुसेंट की बॉडी देखते हैं जिस पर बर्फ गिरी हुई होती है, और धीरे धीरे वह इस बर्फ में दफन होने लगते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको ऐसे ही और रोमांचक मूवी आगे मिल सके।